यश। क्या दिखा दिया तूने? महाप्रसाद यार, यहाँ पर हर एक मोड़ पे नजारे चेंज होते जा रहे हैं। वहां पर बादल पहाड़ों को टच करते हुए, मतलब मजा सा आ गया। व्यू के तो क्या ही कहने, दिल में टी गार्डन उग गया। देख, इसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के बाल मेरे जैसे बड़े होते हैं, कुछ गंजे भी तो होते हैं। वैसे ही कुछ पहाड़ पे टी के गार्डन है और कुछ गंजे वाले हैं। यार टाइम की कमी है, नहीं तो 3-4 दिन तो मैं यहीं रुक जाता। और किसी स्पॉट पे अगर जाऊं ना जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बाइक लेके पूरे रास्ते पे घूमता रहता बस, क्योंकि मुझे साइट सीइंग से ज़्यादा मज़ा यहाँ के जो नज़ारे है उसको अपनी आँखों में भरने का आता है। तो गाइज, ये राइड में स्टार्टिंग के जो 3 दिन थे, पहले 3 दिन, उसमें हमने काफ़ी सफ़र किया। सफ़र यानी SAFAR वाला सफ़र नहीं, SUFFAR वाला सफ़र, मतलब कि हम काफ़ी परेशान हुए, बट ऑल द हार्ड वर्क विल पे ऑफ। जैसे ही हमारा जो हार्ड वर्क था, जो सफ़र हमने किया था, उसका नतीजा आज निकल के आया है और हम इन अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ घूम रहे हैं। तो गाइज, इन हसीन रास्तों का और हसीन नज़ारों का मज़ा लेते लेते हम जा रहे हैं ब्लॉक हार्ट व्यू पॉइंट, जहाँ पर पहुँचते ही हार्ट हो जाता है ब्लॉक, मतलब अटैक वाला ब्लॉक नहीं। ये जगह देख के दिल अपनी धड़कने जैसे चूक जाता है, वैसा होता है। टेंशन नहीं लेने का, अभी हमें उमलिंगला पास पे कुछ नहीं हुआ 19,000 फीट की हाइट पे, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, क्योंकि वैसे अभी हम फौलादी बन चुके हैं, ठीठ बंदे हैं। बट यार, आप लोग बोलोगे कि ये कितनी बार बोल रहा है क्या नज़ारे क्या नज़ारे, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं जाता। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा भी व्यू होगा रास्ते पे, यहाँ तक आने में जो व्यू भी मिला। आगे 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 जाने दे। तो यहाँ पर ब्लॉक हार्ट व्यू पॉइंट पे ये ऐसा हार्ट टूटा हुआ है, जैसा नाम है वैसे इसके गुणधर्म नहीं है। तो सच्ची में इस पॉइंट पे आके हार्ट ब्लॉक ही हो जाएगा, कि जैसा आप सुन के या सोच के आए होंगे कि ब्लॉक हार्ट व्यू पॉइंट, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। इससे अच्छा तो रोड के नज़ारे है, लेकिन यहाँ से पानी आ रहा है नीचे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक के वेस्ट बॉटल्स में से बनाया गया है हाथी का स्टेच्यू। तो यहाँ पर रोड की कंडीशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, तो हो सकता है कि हमें आगे कहीं बारिश मिल जाए तो फिर से रेन गियर लगाना पड़ेगा।
यहाँ पर इलायची की स्मेल आ रही है। ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं शायद से वही इलायची के पेड़ है। और अभी ठेकड़ी रह गया है यहाँ से 65 किलोमीटर। यहाँ पर ये लोग कॉफ़ी बीन्स को सॉर्ट कर रहे हैं। यह तो पुष्पा भाई का ट्रक लग रहा है लकड़ी का। तो यहाँ पर लिया है हमने छोटा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं ठेकड़ी से और सीधा पहुँचते हैं कोडाईकनाल। यहाँ पर वैसे हमने लिया था रिफ्रेशमेंट ब्रेक छोटा सा, और प्लानिंग ऐसा था कि यहाँ से कुछ स्पाइसेस परचेस करेंगे, लेकिन यहाँ की एक अच्छी खासी दुकान हमें मिल गई है और ये लोग स्पाइसेस को ऑनलाइन भी भिजवाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये अपना विषय तो है नहीं। और वैसे ठेकड़ी में देखने जैसा है जंगल सफारी, लेकिन वो सब फैमिली में होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और वैसे टाइम की भी थोड़ी दिक्कत है, तो हमने सोचा कि चलो सीधा कोडाईकनाल ही मार देते हैं। और कोडाईकनाल यहाँ से 151 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और आई थिंक कि वहाँ पर पहुँचते 4 घंटे जैसा टाइम लग सकता है। बाकी आगे रास्ता कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और अगर बारिश मिल गई तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं ठेकड़ी में, और यहाँ पर देखो स्पाइसेस की कितनी सारी दुकानें हैं। यहाँ से वैसे परचेस तो बहुत कुछ करना था, लेकिन अब बाइक में इतना सारा कुछ ले नहीं जा पाएंगे। सो गाइज ये चेक पोस्ट क्रॉस करते ही हम आ जाएंगे तमिल में। तो हम लोग केरल में से तमिलनाडु में एंटर हो चुके हैं। तो गाइज अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं तमिलनाडु में, और इससे पहले थे हम केरला में। और वहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी लाइट्स है उनसे रिलेटेड कुछ पंगा चल रहा है, तो इसको कवर करके रखा था। तो अब तमिलनाडु में ये दिक्कत नहीं है, तो इसको रिलीज़ कर देते हैं। वैसे हम ये किसी को परेशान करने के लिए तो नहीं रखते, लेकिन अगर कोई सामने से हमें सिड्यूस करता है तो फिर हमें अपना करिश्मा या जलवा जो भी कह सकते हो वो दिखाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं अभी। तो गाइस अभी कोडाईकनाल रह गया है 43 किलोमीटर, और यहाँ से हिल हो चुकी है स्टार्ट। रात में हिल वाले एरिया में चलाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो काफ़ी संभाल के चलाना पड़ेगा। तो जी ये है आज का हमारा स्टे। दवाई खा के आवाज फिर से मेरी, ए, क्या दिखा दिया तूने महाप्रसाद। हाँ, और खास बात यहाँ पे पंखा नहीं है ना, तो है एसी। तो तेरे को बहुत मजा आएगा। मेरे को मजा आएगा, अभी मैं चद्दर टान के सो जाऊंगा मस्त। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कोडाईकनाल, और होटल में चेक इन कर लिया है, और कुछ इस तरह का है हमारा रूम। तो आज के रूम में स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर एसी नहीं है, तो ललित काफी खुश हो गया क्योंकि वो कई दिनों से एसी से बहुत परेशान था, और एसी की वजह से मेरी आवाज की ऐसी तैसी हो चुकी है। अभी 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 जाके आवाज खुली है, वो भी दिखाता हूँ। स्टोर से मेडिसिन लेके आया हूँ खाने वाला। और उसके लिए खुशी की एक और बात है कि यहाँ पर पंखा भी नहीं है कहीं पे। हाँ, तो अगर आज क्या करता था हर रोज ये 16 डिग्री पे रूम में घुसते सीधा ऐसी 16। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे एसी से मीलों दूर की नफरत है। मुझे इतनी आदत पड़ गई है कि बेसिकली मैं वैसे तो हिमाचल का ही प्राणी हूँ, लेकिन यहाँ पर गुजरात में जी रहा हूँ। ओके गाइस, तो ओके गाइस, तो आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को करना है लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करना है शेयर, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।